नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जब न्यूज। बुलढाणा जिले के मलकापुर तहसील के जग्गू मामा ढाबा के पास नेशनल हाईवे नंबर 6 बाईपास पर कल दोपहर 4 बजे के करीब नागपुर से मुंबई की तरफ तेज रफ्तार से एक टैंकर ने वाहनों को टक्कर मारी। उसमें 407 गाड़ी के पास खड़े मुक्ताई नगर के कामखेड़ा ग्राम निवासी 47 वर्षीय पांडुरंग शांताराम पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 8 साल का बेटा पवन पांडुरंग पाटिल घायल हो गया। सभी घायलों का मलकापुर उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगे की तफ्तीश मलकापुर शहर पुलिस कर रही है। एक्सीडेंट के बाद करीब 2 घंटे तक यातायात जाम रहा। 1 लाख रुपए होते हेड बॉडी के सामने के जेब में, पुलिस के दावे में ये दियो पैसे। ये जो आदमी मर गया इसके जेब में 1 लाख रुपए थे? हाँ, उसके वो पुलिस वालों के दावे में ये दियो। तो ये थे आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।